आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 1। लेसन 1 एक पोएम है और इस पोएम का नाम है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। इस पोएम में 8 लाइनें हैं, 2 स्टैंजर्स हैं। इसको हम बारीक रूप से पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक स्टैंजा को हम समझेंगे। तो हम इस प्रकार से पढ़ें। करेज ब्रदर, डू नॉट स्टैम्बल, दो थाय पाथ बी डार्क एस नाइट, देयर्स अ स्टार टू गाइड द हम्बल, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, लेट द रोड बी रफ एंड वेरी एंड इट्स एंड फार आउट ऑफ साइट, फुट इट ब्रेवली स्ट्रॉन्ग और वेरी, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। इस पोएम का पोएट है नॉर्मन मैकलियोड। पहला स्टैंजा में पोएट इस प्रकार से एक सांत्वना देते हुए हमें बता रहे हैं और हमें उत्साहित कर रहे हैं कि साहसी जो भाई है वो ठोकर ना खाए। इस प्रकार से बता रहे हैं। पहला लाइन में हम पढ़ते हैं, करेज ब्रदर डू नॉट स्टैम्बल। एक भाई को बताया गया कि भाई जो साहसी है उसे ठोकर खाने से मना किया जा रहा है। दूसरी लाइन में, डो द पाथ बी डार्क एस नाइट, जैसे हम चलते हैं हमारे राह अगर अंधेरा है, रात के बराबर हमारा अंधेरा है, फिर भी हम ठोकर नहीं खाना है। फिर तीसरी लाइन में इस प्रकार है, जो हम्बल लोग होते हैं उनको हमेशा नियंत्रित करने के लिए एक स्टार होता है। इस प्रकार से तीसरी लाइन में हम देखते हैं, देयर्स अ स्टार टू गाइड द हम्बल, चलने के समय पे अगर हमारे राह जो है वो अगर रात के बराबर अंधेरा है तो भी अगर नम्र होकर हम चलते हैं तो हमेशा हमारे लिए एक गाइड करने का स्टार हमें हमेशा हमारे लिए मौजूद है। इसलिए हमें एक परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए सही काम करते हुए आगे बढ़ना है। दूसरी स्टैंजा में हम देखते हैं, लेट द रोड बी रफ एंड ड्रेरी एंड इट्स एंड फार आउट ऑफ साइट। यहाँ पे बता रहे हैं, कभी इस प्रकार बता रहे हैं कि अगर आपकी जो राह है, आपकी रास्ता है जिससे आप चल रहे हैं, वो अगर ख़राब है और वो दुर्लभ है, वो चलने का लायक नहीं है, तो और उसकी जो अंतिम जो दिशा है वो अगर हमारी लक्ष्य हमारी दृष्टि से वो अगर ख़त्म हो रहा है, फिर भी हमें वहाँ पे साहसी के साथ और बिल्कुल मजबूती के साथ बलपूर्वक हमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हमें सही काम करते हुए आगे बढ़ना है। तो इसी प्रकार से इस पॉइंट का मतलब हम देखते हैं।